Hello there, lovely people. What's up? And how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to share my skincare routine, basically more of a combination to oily and acne prone skincare routine. So this is the skin routine which I follow in my morning time. So if you guys want to know that what are the products which I use for taking care of my skin to get rid of all these acne and pimples and acne scarring, so please keep on watching. And before going into the video, do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. Do follow me on Instagram so you get updates related to all my latest and new videos. So without wasting any further time, let's get rolling. Okay, so I have already washed up my face. मैं फेस वॉश के लिए यूज़ करती हूँ ये मामा अर्थ का वाइटमिन सी फेस वॉश. वाइटमिन सी इज़ रियली गुड अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं लाइक मी. जैसे मुझे एक्ने स्कार्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. आई डोंट रियली हैव लाइक डार्क सर्कल्स और समथिंग, बट मुझे सिर्फ एक्ने स्कारिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. सो दैट इज़ वाई आई स्विच्ड टू दिस वाइटमिन सी फेस वॉश. सो आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस. जो बेसिक स्टेप होता है आपका स्किन केयर का वो होता है फेस वॉश. एंड आपको दिन में दो बार फेस वॉश तो करना ही चाहिए, एक बार मॉर्निंग में एंड एक बार नाइट में. एंड आपको हमेशा मॉर्निंग और नाइट का स्किन केयर अपना अलग रखना चाहिए. द रीजन बीइंग दैट मॉर्निंग में आपको वो चीजें यूज करनी चाहिए, वो प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो आपके फेस को डिटॉक्स करें, थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट दें. लेकिन रात में आपको उन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए जो आपको स्किन रिपेयर का काम करके दे, आपको स्किन रिपेयरिंग में हेल्प करे. जो ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं आपको रात को वो यूज करना चाहिए. सो जो रूटीन मैं अभी शूट कर रही हूँ दैट इज बेसिकली माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. सो या आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड अप माई फेस. नेक्स्ट वी वुड बी मूविंग ऑन डायरेक्टली टू फेस पैक. मैं स्क्रब्स इतने यूज नहीं करती हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ माइंड कि जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है स्क्रब उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिकॉज जो एक्ने पिंपल्स है वो ट्रिगर हो जाते हैं स्क्रब की वजह से. क्योंकि जब आप उसको रब करते हो योर एक्ने एंड पिंपल्स गेट ट्रिगर्ड एंड देन आपको और ज्यादा ब्रेकआउट्स होने शुरू हो जाते हैं. आई प्रेफर डूइंग स्क्रब वंस इन अ मंथ. उसके अलावा मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ एक मंथ में एक बार. मैं वीक में दो बार या वीक में एक बार भी नहीं करती हूँ. सो वी वुड डायरेक्टली मूव ऑन टू द फेस मास्क. फेस मास्क में यहाँ पे यूज करने वाली हूँ वो है एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफी मास्क. सो बेसिकली ये है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. एंड क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन से ऑयली स्किन कुछ इन बिटवीन है तो दैट इज आई एम गोइंग टू यूज दिस मास्क. सो ये वाला मास्क जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. जब आप इसको रिमूव करते हो आपके फेस से जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है. एंड अगर आपके फेस पे ज्यादा ऑयल डिपॉजिट नहीं होगा तो आपको फर्दर ब्रेकआउट्स और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत कुछ हद तक डिक्रीज हो जाती है. सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फेस मास्क टूडे. यू ऑल्सो गेट अ लिटल वुडन स्पूली विद इट ताकि आप इसको अप्लाई कर पाओ, बट आई डोंट यूज इट एनी वे. ओके, सो जब आप इसको ओपन करते हैं एंड इसका प्राइस कुछ आपको स्क्रीन पे मैंशन हो जाएगा इसका प्राइस कितना है. सो आपको जो है ये लिड ओपन करनी होती है एंड देन देयर यू गेट योर प्रोडक्ट. सो ये कुछ क्रीमी काइंड ऑफ टेक्सचर है इसका. यू नो इट डजंट स्मेल कम्प्लीटली लाइक कॉफी, लाइक कुछ चॉकलेटी कॉफी के बिटवीन इसकी कंसिस्टेंसी एंड स्मेल है. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस. You should always apply an equal layer of face mask on your face. So that is why I am using my fingers hairs. क्योंकि fingers की help से आप बहुत easily अपना face mask equally apply अपने पूरे face पे कर सकते हो. So I have applied the face pack on my complete face and also on my lips, because why not? Okay. So अब मैं इसको 10 minutes तक रहने दूंगी. Let's see यहाँ पे कितनी देर इसको लगाने के लिए रखा बोला गया है. 15 टू 20 मिनट्स. सो बेसिकली मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रखने वाली हूँ बिकॉज 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा देर हो जाती है. सो आई विल कीप दिस फेस मास्क ऑन माई फेस फॉर 15 मिनट्स, देन हम इसको रिंस ऑफ कर लेंगे. एंड ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई योर फेस मास्क ऑन योर नेक एज वेल, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट कि आपको अगर आप सारे प्रोडक्ट अपने सिर्फ फेस पे अप्लाई करोगे एंड नेक पे नहीं करोगे तो मे बी आपको डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. सो टू अवॉइड दैट हमेशा आपको जो अपना फेस पैक है वो अपनी नेक पे भी अप्लाई करना है. एंड वन थिंग गाइज, कभी भी अपना फेस मास्क जो है वो वीक में एक बार से ज्यादा नहीं करना होता आपको.
क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में भी करोगे ना तो आपका फेस का जितना भी सीबम प्रोडक्शन है वो उसको खराब कर देता है, आपका ऑयल बैलेंस सारा खराब हो जाता है फेस का, ठीक है। तो ट्राई किया करो कि वीक में सिर्फ एक बार ही करना है आपको जो अपना फेस मास्क है, दो बार आपको नहीं करना है। मे बी अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सेसिव में ऑयली स्किन है, बिकॉज मेरी इतनी भी ज्यादा ऑयली नहीं है, माई स्किन इज समवेयर बिटवीन कॉम्बिनेशन टू ऑयली, लाइक कभी कॉम्बिनेशन होती है, कभी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, स्पेशली इन समर्स। सो बहुत ज्यादा ऑयली है तो मे बी आप दो बार कर सकते हो, बट ट्राई किया करो कि आप वीक में सिर्फ इसको एक बार ही करो। सो आई एम गोना कीप इट फॉर 15 मिनट्स ऑन माई फेस, देन आई एम गोना रिंस इट ऑफ एंड आई विल कम बैक टू यू। आई हैव वॉश्ड अप माई फेस नाइसली एंड यू कैन सी दैट इट हैज इंस्टेंटली ब्राइटन्ड अप माई होल फेस, लाइक माई फेस इज लुकिंग मच मोर ब्राइटर एंड ग्लो, like you can see this is this mild glow on my face right now. Okay, so once I am done with the M caffeine coffee mask, the next thing which I go for my face is this Biomistica spot correcting anti acne face pack. Okay, so basically मैं पूरा हफ्ता ये स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, जो ये फेस पैक वाला जो स्टेप है ये सिर्फ मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, एंड बाकी के जो स्टेप्स आप देखोगे वो मेरा डेली बेसिस का मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होता है, लाइक जस्ट जो एम कैफेन का कॉफी मास्क है एंड दिस बायोमिरिस्टिका एंटी एक्ने स्पॉट एंटी एक्ने फेस पैक, ये जो है मैं सिर्फ संडेज को अप्लाई करती हूँ एंड जो मेरा बाकी का स्किन केयर रूटीन होता है वो सेम रहता है। ओके, सो नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। सो आपको ये इतनी सी बॉटल में मिलता है, सो बेसिकली इट इज मेंट फॉर यू नो करेक्टिंग योर स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स। सो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लाइक बहुत थिक कंसिस्टेंसी है, एंड एज बायोटीक इज ए नेचुरल ब्रांड, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट यू शुड ऑलवेज गिव इट अ पैच टेस्ट, बिकॉज यू नो आपको पता नहीं होता कि कौन सा नेचुरल इंग्रेडिएंट भी आपकी स्किन को सूट नहीं करे। सो ऑलवेज गिव इट अ पैच टेस्ट एंड देन आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको यू नो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो लाइक यू कैन सी अभी इसका हाफ टब ही खत्म हुआ है, ये ज्यादा खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो आई एम जस्ट गोना टेक इट। ये आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां अप्लाई करना है जहां पे आपको स्पॉट्स की प्रॉब्लम है। सो मुझे बेसिकली अपने चीक एरियाज पर ही ज्यादा इस चीज की प्रॉब्लम रहती है, सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माई स्पॉट्स। आई हैव जस्ट अप्लाई इट ऑन द एरियाज जहां पे मुझे यू नो स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या फिर जहां पे मुझे एक्टिव एक्ने है। सो लाइक अगेन मैं इसको अपने फेस पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रहने दूंगी, उससे ज्यादा मैं इसको जो है अप्लाई नहीं करूंगी अपने फेस के ऊपर। सो मैं इसको 10 मिनट्स रहने दूंगी एंड देन आई जस्ट वॉश इट ऑफ। ओके, देयर इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन, जब भी आप इस फेस पैक को रिमूव करोगे डोंट गो लाइक रियली हार्श ऑन योर स्किन, बिकॉज इसके अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं। सो अगर आप इसको यू नो रब करोगे सो इट विल वर्क एज अ स्क्रब ऑन योर स्किन एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू ट्रिगर योर एक्ने। सो लाइक बहुत ही ज्यादा जेंटली आपको जो है इस वाले फेस वॉश को नॉट फेस वॉश इस फेस पैक को अपने फेस से रिमूव करना है बिल्कुल लाइट हैंड से, ताकि यू नो आपका जो फेस पैक है वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाए एंड आपके ब्रेकआउट्स में भी इतनी ज्यादा यू नो इंक्रीमेंट ना। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द होल फेस पैक एंड स्पॉट ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट व्हाट आई डू इज शेविंग माय फेस, लाइक इसको मैं वीक में एक बार नहीं करती हूँ, बट यू हैव टू डू इट आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे और आफ्टर 2 to 3 days डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फेस का हेयर ग्रोथ कितना ज्यादा है। सो आई हैव क्वाइट अ फ्यू हेयर ऑन माई फेस, लाइक आई डू नॉट हैव अ बियर्ड, लाइक पीपल हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि अगर आप फेस शेव करते हो दैट मीन्स यू हैव बियर्ड, इट्स नॉट लाइक दैट। फेस हेयर इज समथिंग जो आपको यहाँ पर हो जाते हैं या फिर यू नो देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ पीच फज ऑन योर फेस विच यू नो जो अच्छी नहीं लगती है। सो वंस यू रिमूव इट इट लुक्स रियली गुड एंड जो मेकअप है आपका वो भी बहुत अच्छे से हो पाता है आपकी स्किन पे। ओके, सो वट आई डू इज आई ग्रैब वन ऑफ माई यू नो फेस सीरम और एलोवेरा जेल, वट एवर यू नो आप कोई भी यूज कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, एंड आई यूज माई फेशियल रेजर। सो जो मैं फेशियल रेजर्स अभी यूज कर रही हूँ वो है फ्रॉम टिंकल आईब्राउ, लाइक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं लोकल मार्केट्स में भी, एंड अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आपको वहां भी मिल जाएंगे। ओके, सो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है फेशियल रेजर्स के साथ। इसमें मैं पहले फेशियल रेजर्स यूज नहीं करती थी, बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग दैम बिकॉज दे वर सो हैंडी एंड दे वर सो ईजी टू यूज, एंड आपका पीच फज बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है एंड यू नो योर फेस गेट रियली ब्राइटन्ड अप आफ्टर रिमूविंग योर हेयर, बिकॉज यू नो
बहुत अच्छा लगता है आपका फेस. ओके सो व्हाट आई बेसिकली डू इज आई जस्ट ग्रैब माय फेशियल सीरम. आई अप्लाई 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन माय फेस सो दैट यू नो मेरे फेस को एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाए. सो आई जस्ट अप्लाई सम ऑफ द सीरम ऑन माय फेस. Okay, so the serum which I'm using right now is this Good Vibes Tea Tree and Papaya. So मैं इसको बहुत gently, you know, अपने पूरे face पर apply कर लूँगी. मैं इसको massage नहीं कर रही हूँ अपने skin में because I don't want it to seep in. मैं बस इसको apply कर रही हूँ हल्का सा अपने face पे so that I can get a really really smooth base. Okay, मैंने इसको अच्छे से अपने face पे जो है apply कर लिया है. If you are using facial razors for the first time, you need to be really careful. आपको बहुत light hand से काम करना पड़ता है. Okay, so आपको कुछ इस तरीके का vertical मिलता है. Always stretch out your skin and then आपको नीचे की तरफ आना है. ठीक है, आपको हमेशा ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है, otherwise you will cut your skin. बहुत ज्यादा gentle होना है आपको इसके साथ में. एंड वन थिंग, लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हेयर आने लग जाते हैं फेस पे, ऐसा कुछ नहीं होता. जो आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है वही रहती है. इट्स जस्ट दैट एक बार आपका फेस जो पूरा क्लीन हो जाए तो उसके बाद आते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. जो आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है उतने ही वापस आते हैं. ओके, यू कैन सी ऑल द पीच फज देयर. सो इसी तरीके से आपको अपने पूरे फेस को जो है शेव कर लेना है. ओके, सो वंस आई एम डन विद दैट आई जस्ट ग्रूम माय आईब्राउज अ लिटिल बिट. लाइक थोड़े बहुत जो बाल होते हैं आई जस्ट प्लग देम आउट बिकॉज यू नो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई होती है बाल करवाने, लाइक आईब्रो करवाने के बाद में. सो आई जस्ट यू नो जो एक्स्ट्रा एक दो हेयर होते हैं उनको आई प्लक इट आउट एंड देन आई ट्रिम माय ब्राउज अ लिटिल बिट. यू नो जो एक्स्ट्रा ग्रोन हेयर होते हैं उनको मैं हल्का सा ट्रिम कर देती हूँ सो दैट जो मेरी आईब्राउज हैं वो बिल्कुल अच्छी लगे. ओके, सो आई एम डन विद दैट. सो बिकॉज मेरे फेस पे थोड़ा सा सीरम अभी भी है सो आई एम गोइंग टू यूज दिस कारा रिफ्रेशिंग वाइप्स टू वाइप ऑफ माई फेस ताकि यू नो जो थोड़े बहुत हेयर भी रह रहे होंगे मेरे फेस पे या फिर जो थोड़ा बहुत सीरम भी होगा वो प्रॉपरली मेरे फेस से रिमूव हो जाएगा. ओके, सो वी आर डन वाइपिंग आर फेस ऑफ. नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज टोनिंग. सो ओके, सो अपने टोनर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर. सो लाइक आप कोई भी यूज कर सकते हो. आई यूज द बायोटिक क्यूकम्बर वन बट यू नो ये बहुत ज्यादा माइल्ड रहता है आपके फेस पे. सो आई एम जस्ट गोना स्प्रे इट ऑफ ऑन माई फेस एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द सीरम इज दैट इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इट कम्स इन अ स्प्रे फॉर्म तो बहुत ज्यादा ईजी रह जाता है आपके फेस पे अप्लाई करने के लिए. यू डोंट नीड अ कॉटन पैड और यू नो टिश्यू और फेशियल वाइप्स टू अप्लाई दिस टोनर ऑन योर फेस. इंस्टेड ऑफ यू नो मसाजिंग इट इन टू योर फेस जस्ट टैप इट डाउन सो दैट जो प्रोडक्ट है वो सारा सीप इन हो जाए आपकी स्किन में. है वो प्रॉपरली सीप इन हो चुका है मेरी स्किन में एंड यू कैन सी देयर इज दिस इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस. नेक्स्ट थिंग कम इज सीरम. सो सीरम के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मामा अर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम. सो इट हैज विटामिन सी इन इट. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन माय हैंड मैं इसको डायरेक्टली अपने फेस पे जो है पंप कर लेती हूँ. यू कैन टेक सिंगल ड्रॉप ऑन योर चीक बट आई लाइक टेकिंग टू. सो मैं इसको बहुत जेंटली मसाज कर लूंगी अपनी स्किन में. अगेन इट हैज विटामिन सी सो इट विल हेल्प इन यू नो गेटिंग रिड ऑफ दोज एक्ने स्कार्स एंड ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन. सो दैट इज व्हाई आई यूज दिस पर्टिकुलर सीरम. इट्स रियली नाइस, इट्स रियली लाइट वेट एंड मेक योर स्किन ब्राइटेंड अप इंस्टेंटली. सो आई एम गोना बी रियल जेंटल ऑन माई स्किन. अगेन आई एम जस्ट गोन टैप इट इन माई स्किन सो दैट जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली सिप इन हो जाए. ओके, सो वी आर डन विद द सीरम. एकदम आपको लगाने के बाद ही फटाफट अपना मॉइस्चराइजर नहीं कर लेना है. जस्ट वेट फॉर 1 to 2 minutes सो दैट प्रोडक्ट जो है वो अपना टाइम ले ले स्किन के अंदर पूरा चले जाने के लिए. देन यू शुड गो विद योर मॉइस्चराइजर. आपको फटाफट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना होता है बिकॉज यू नो उसका कोई फायदा नहीं होता है. सो आई जस्ट लेट इट सेट ऑन माई स्किन फॉर एटलीस्ट अ मिनट एंड देन
आई गो विद द मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. सो इट हैज ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड इज लाइक रियली गुड फॉर एक्ने एंड यू नो ब्रेकआउट्स एंड पिम्पल्स. सो अगेन आई जस्ट टेक 5 pumps ऑफ दिस. That's it, and then I just massage it into my skin. We are done with the moisturizer. It's a really good moisturizer. Basically, जिनकी यू नो ऑयली स्किन होती है उनको एक ऐसा मॉइस्चराइजर ही लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा लाइट वेट हो, लाइक वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर उनको यूज करने चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, आपके फेस पे बहुत ज्यादा स्टिकी फील नहीं होते हैं, हैवी फील नहीं होते. तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, यू कैन गो फॉर सच मॉइस्चराइजर्स विच आर वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड. लाइक दिस मॉइस्चराइजर इज रियली गुड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो. बट अगर आपकी यू नो कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन के बीच में है तो ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करने वाला है, बिकॉज इट इज ए मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर एंड इट इज मेंट फॉर दोज हु हैव ऑयली स्किन. तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा. आई हैव गिवन इनफ टाइम टू माय मॉइस्चराइजर फॉर स्लीपिंग इन. द नेक्स्ट थिंग कम्स इज ए सनस्क्रीन. सनस्क्रीन को हम इंडियंस बहुत ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं. इट्स जस्ट लाइक कि ठीक है नहीं अप्लाई करी तो क्या हो गया. बट सनस्क्रीन इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर स्किन, आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए. लाइक आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि कई लोगों की स्किन पे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन रेज. जब आपकी सन की रेज डायरेक्टली आपकी स्किन पर पड़ती हैं सो आपको यू नो छोटे छोटे स्पॉट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो यू शुड ऑलवेज मॉइस्चराइज, नॉट मॉइस्चराइज, यू शुड ऑलवेज सन प्रोटेक्ट योर स्किन. इवन इफ आप अगर अपने घर के अंदर भी रह रहे हो तब भी आपको यू नो अपनी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए. लाइक मॉर्निंग रूटीन में सनस्क्रीन तो आपको ऐड करना ही चाहिए, चाहे आप बाहर नहीं जा रहे हो, जा रहे हो तो करना ही करना. एंड यू शुड ऑलवेज कैरी अ सनस्क्रीन विद यू एज वेल. ओके, सो जो मैं सनस्क्रीन यहाँ पे यूज करती हूँ वो है लोटस हर्बल सेफ सन. सो इट हैज SPF 50. ऑलवेज गो फॉर अ सनस्क्रीन जिसमें SPF 50 या SPF 50 से ज्यादा हो, बिकॉज दैट इज वॉट प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन रेज. ओके, सो ये बेसिकली एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन है. अगेन इट इज रियली गुड फॉर दोज जिनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि ये जेल बेस्ड है, इसकी बहुत ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इट works really good on those जिनकी oily skin है. So that is why I use this. बहुत ज़्यादा thick consistency वाली अगर आप sunscreen में जाओगे तो वो you know आपके pores को clog कर सकता है and then you know breakouts, acne. So I'll just apply this on my skin. Last and the most important thing comes in a skincare is a lip balm. लिप बाम अप्लाई करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके लिप्स क्रैक ना हो एंड यू नो आपके लिप्स फटे ना. सो आई लाइक यूजिंग दिस बेसिक वन. आई डोंट लाइक यूजिंग कलर्ड और पिगमेंटेड लिप बाम्स इफ आई एम नॉट गोइंग आउट, इफ आई एम स्टेइंग एट माई होम. जब मैं घर रहती हूँ तो आई यूज दीज बेसिक वंस. सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माई लिप्स. That's it guys, this was my skincare routine, like basically my morning skincare routine for those who have combination oily or acne prone skin. So this is how I take care of my skin for getting rid of these scars and everything. So if you guys like this video, do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. So I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.